हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर से फिल्म 2024 के लिए डेली क्यूज का 30/10/2023 का क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा आज वीडियो ऐसे आपको 7 बजे मिल ही जाना चाहिए, क्वेश्चन तैयार करने में थोड़ा टाइम लग गया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। करण निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा, सही नहीं है। अब पढ़ते हैं। करा दूसरी अंतर सरकारी वार्ता समिति की बैठक ने भूजल संतुलन से निपटने और इसके उन्मूलन हेतु एक विश्वव्यापी समझौते पर ठोस चर्चा के लिए रूपरेखा तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर है अंतर सरकारी वार्ता समिति की स्थापना वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र विकास सभा के 5वें सत्र में की गई थी। तो कौन सा कथन सही नहीं? तो पहला, केवल ए, क्योंकि ये भूजल संतुलन के लिए नहीं, प्लास्टिक प्रदूषण या संदूषण कह सकते हैं उसके लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अच्छा, सही उत्तर चुनिए, लेकिन यहाँ के अनुसार चुनना सही नहीं है, ठीक है ना। ये और ये यहाँ पे से कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है यूपीएससी क्वेश्चन में, कि क्योंकि पहले यहाँ पे लिख दिया गया सही नहीं है, फिर सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर आप ये चुन लीजिएगा, उसके अनुसार बी हो जाएगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, सही नहीं है चुनना। चलिए आइए देखते हैं। तो दूसरी अंतर सरकारी वार्ता समिति का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक समझौते पर वार्ता के लिए मंच प्रदान करना है, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और मानवता को रैखिक प्लास्टिक अर्थव्यवस्था के गंभीर प्रभावों से बचाया जा सके। अतः कथन एक सही नहीं है। कर INC2 का प्राथमिक एजेंडा प्रक्रिया के नियमों को अपनाना था। ये नियम विभिन्न पहलुओं जैसे कि बातचीत की प्रक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया, सर्वसम्मतीय मतदान और निर्णय लेने के लिए अधिकृत संस्थाओं को नियंत्रित करते हैं। INC की स्थापना फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 5.2 के 5वें सत्र में हुई थी। अतः कथन 2 सही है। गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल शक्ति मंत्रालय ने बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। करपोर्टर बायोगैस CBG क्षेत्र में निवेश और भागीदारी का आकलन करने के लिए एकल कोष के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे है सही कथन चुनिए। तो क्या है? जल शक्ति मंत्रालय ने बायोगैस संप्रीत, तो ये ऑप्शन सी होना चाहिए। हम दोनों कथन सही लग रहा है। चलिए आइए देखते हैं, सी है तो है, नहीं तो फिर जो भी है। तो जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने बायोगैस संप्रीत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की सुविधा के लिए पोर्टल विकसित किया था। कथन एक सही है। भारत में बायोगैस बायो CNG संयंत्र स्थापित करने का इच्छुक कोई भी सरकारी, सहकारी या निजी संस्था पोर्टल में नामांकन कर सकती है और पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकती है। कर यह पोर्टल संपूर्ण भारत के स्तर पर बायोगैस CBG क्षेत्र में निवेश और भागीदारी का आकलन करने के लिए एक एकल कोष वन स्टॉप रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता था। कथन 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का कर रोजगार कार्य समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोजगार कार्य समूह रोजगार, श्रम बाजारों और सामाजिक नीतियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने हेतु G7 ढांचे के भीतर स्थापित एक मंच है, ठीक है। और कथन सही ढूंढना है ना, ठीक है। दूसरा है कि WG 2023 के लिए प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधित करना, गिग एवं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा का स्थायी विकसा है। तो जब भी G7 या G20 ये सब की बात आए, तो वहाँ पर ध्यान देना है, उस पर गौर करना है कि G7 में शामिल है या G20 में। तो G20 ढांचे के भीतर स्थापित एक मंच है रोजगार कार्य समूह WG। तो पहला कथन गलत हो गया, तो सही केवल बी होना चाहिए ऑप्शन, यानी केवल 2 है इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो रोजगार कार्य समूह ढांचे के भीतर स्थापित एक फोरम है जो रोजगार, श्रम बाजारों और सामाजिक नीतियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है। तो कथन एक सही नहीं है। करैया चर्चाओं में शामिल होने, अनुभव साझा करने और रोजगार संबंधी मामलों पर नीतिगत सिफारिशों के लिए G20 सदस्य देशों तथा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। कर EWG के लिए यानी रोजगार कार्य समूह के लिए 3 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई। वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधित करना पहला, ठीक है। दूसरा है गिग, तीसरा है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और सामाजिक सुरक्षा का स्थायी वित्त पोषण। अतः कथन 2 सही है। वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधित करना, गिग, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और सामाजिक सुरक्षा, और तीसरा है सामाजिक सुरक्षा का स्थायी वित्त पोषण। करा इन प्राथमिक क्षेत्रों की सभी सदस्य और भाग लेने वाले देशों तथा अन्य के लिए व्यापक प्रासंगिकता है, क्योंकि ये वैश्विक संदर्भ में वर्तमान चुनौतियों एवं असरों को दर्शाते हैं। चलिए अगला देखते हैं।
पीएम स्वनिधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाल फिलहाल में एक खबर चर्चा में था, तो आज सोमवार को कुछ प्रीवियस यानी कि पिछले महीने के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, यानी एक दो महीना पहले अगर आएगा, ये आपका करंट नहीं है। करें पीएम स्वनिधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें यह पूर्ण रूप से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋण असंपार्श्विक है। करें यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने वाले सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। करें यह पूर्ण रूप से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। तो ये किसी और मंत्रालय में के द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए, ठीक है, इसको फिलहाल ध्यान में रहा नहीं। करें इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋण क्या है, असंपार्श्विक है, तो ये सही है। करें यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने वाले सभी स्ट्रीट, नहीं तो ये सिर्फ शहरी के लिए है। तो कितने सही है, तो केवल एक सही है। कितने हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन ये होना चाहिए, देखते हैं आइए। तो पीएम स्वनिधि योजना या केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, ठीक है, आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। इसके लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं, कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना, डिजिटल लेन देन हेतु प्रस्तुत करना, अतः कथन एक सही नहीं है। क्रमशः 10,000 रुपये और 20,000 रुपये के पहले एवं दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रुपये तक के तीसरे सावधि ऋण की शुरुआत की गई है। यह ऋण जो है सान पार्श्विक या कॉलेटरल के बिना प्रदान किया जाता, मतलब कि अनसंपार्श्विक है, अतः कथन दो सही है, ठीक है। चलिए, तो दो सही है, तो केवल एक सही है, तीसरा भी सही नहीं है। आगे देखते हैं इसको, तीसरा क्या है। करें ऋण देने वाली एजेंसियां कौन कौन है, तो करें सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, स्वयं सहायता समूहों को उनकी जमीनी स्तर पर उपस्थिति एवं स्ट्रीट वेंडर सहित शहरी गरीबों से निकटता के कारण अनुमति दी गई है। पात्रता राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। करें यह योजना केवल उन्हीं राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत नियम और योजना अनुसूचित की है। हालांकि मेघालय, जिसका अपना स्टेट वेंडर्स एक्ट है, के लाभार्थी भाग ले सकते हैं। निगम कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निगम कर कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों द्वारा देय है। तो निगम कर जो है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत है, सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों द्वारा देय है। कर यह एक कंपनी की निवल आय पर लगाया गया प्रत्यक्ष कर है, ये भी ध्यान देना है। निगम यानी दोनों सही है। निगम कर की उच्च दर किसी देश के क्षेत्र को निवेश के लिए कम आकर्षक बना सकती, ये भी सही है। केवल तीन नहीं, सभी तीन, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। तो आइए देखते हैं व्याख्या में निगम कर परिचय। करें निगम कर कंपनी के अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों द्वारा देय है, कथन एक सही है। करें निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी कंपनी की निवल आय या उसके संचालन से लाभ पर लगाया जाता है, कथन दो सही है। करें निगम कर कॉरपोरेशन के निवल लाभ पर लगाया जाता है जिसकी गणना निगम के कुल राजस्व से बेचे गए माल की लागत, परिचालन व्यय और मूल्यह्रास जैसे स्वीकार्य खर्चों को घटाकर की जाती है। कर निगम कर सरकारों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि यह सार्वजनिक वस्तु एवं सेवाओं जैसे स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों तथा सुरक्षा को वित्त पोषित करने में मदद करता है। करानी वस्तुएं और सेवाएं जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सुरक्षा उपलब्ध करता है। कर निगम कर धन के पुनर्वितरण और आय असमानता को दूर करने में भी एक भूमिका निभाता है क्योंकि यह उन निगमों पर अधिक कर का बोझ डालता है जो अधिक लाभदायक है। आगे है कि इसके अलावा निगम कर के अन्य आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए निगम कर व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकता है क्योंकि उच्च निगम कर दर किसी देश या क्षेत्र को कम कर वाले अन्य न्यायालयों की तुलना में निवेश के लिए कम प्रभावी बना सकता है। निगम कर व्यवसाय के स्थान और प्रकार को भी प्रभावित कर सकता है जो एक अधिकार क्षेत्र में संचालित होते हैं क्योंकि व्यवसाय कराधान परिदृश्य के आधार पर किसी विशेष क्षेत्र में निवेश करने की अधिक या कम संभावना हो सकती है। आगे देखते हैं। कर अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मध्य प्रशांत क्षेत्र में उष्ण घटना अल नीनो के विकास की भविष्यवाणी करता है। तो ध्यान देना है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमेशा आपको एक दो महीना पे रिपीट होते रहता है अल नीनो से संबंधित क्वेश्चन। कर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मध्य प्रशांत क्षेत्र में उष्ण घटना अल नीनो के विकास की भविष्यवाणी करता है, तो ठीक है, मध्य प्रशांत क्षेत्र में।
करेलिनो 10 में से 6 वर्षों में पश्चिम, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के पश्चिमी भागों में कम वर्षा होने से संबंधित है, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मानसून के दृष्टिकोण को अद्यतन किया है और मध्य प्रशांत क्षेत्र में उष्ण घटना अलिनो के विकास की भविष्यवाणी की है, तो कथन एक सही है। भारत ने वर्ष 1997 में मजबूत अलिनो घटना का सामना किया, लेकिन सकारात्मक आईओडी के प्रभाव के कारण भारत में 2% अधिक वर्षा हुई थी। करा अलिनो सामान्यतः 10 में से 6 वर्षों में पश्चिम, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के पश्चिमी भागों में विशेषकर जुलाई एवं अगस्त के दौरान कम वर्षा होने से संबंधित है, कथन दो सही है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकारात्मक आईओडी के दौरान गर्म जल को हिंद महासागर के पूर्वी भाग में विस्थापित हो जाता है, जबकि पश्चिमी हिंद महासागर में गहरा ठंडा जल सतह पर आता है। तो ध्यान देना है, सकारात्मक आईओडी के दौरान गर्म जल जो है पश्चिमी भाग में विस्थापित होता है। फिर है तो पहला तो गलत है। कर आईओडी के सकारात्मक चरण के दौरान अफ्रीका के तट पर उच्च तापमान ऑस्ट्रेलियम भारी बारिश और सूखे का कारण बनता है, तो ये दूसरा सही होना चाहिए। तो कितने सही नहीं है, अच्छा कौन सा सही नहीं, तो केवल एक ऑप्शन ये सही होना चाहिए। देखते हैं, आइए। ठीक है, तो हिंद महासागर द्विध्रुव हिंद महासागर को प्रभावित करने वाला एक जलवायु स्वरूप है। सकारात्मक चरण के दौरान गर्म जल को हिंद महासागर के पश्चिम भाग में विस्थापित हो जाता है, जबकि पूर्वी हिंद महासागर में क्या होता है, गहरा ठंडा जल सतह पर आता है, तो कथन एक सही नहीं है। पर आईओडी से जुड़े समुद्री स्तर के बदलावों से तटीय बाढ़ और संबंधित प्रभावों के खतरे भी बढ़ सकते हैं। पर आईओडी के सकारात्मक चरण के दौरान अफ्रीका के तट पर उच्च तापमान ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश और सूखे का कारण बनता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तुर्की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के प्रवेश का समर्थन करने वाले कुछ देशों में से एक है, तो तुर्की जो है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के प्रवेश का समर्थन नहीं करता है, विरोध करता है, तो ये गलत है। अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में शांति और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत तथा तुर्की के साझा हित है, तो ये सही है। तो केवल दो सही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। करा तुर्की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के प्रवेश का विरोध करने वाले कुछ देशों में से एक था, तो कथन एक सही नहीं है। पर तुर्कियों के किए जाने वाले प्रमुख भारतीय निर्यात में मध्यम तेल और ईंधन, मानव निर्मित तंतु, स्टेपल फाइबर, ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स एवं सहायक उपकरण, जैविक रसायन आदि शामिल है। कर अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में शांति और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत तथा तुर्की के साझा हित है, तो कथन दो सही है। प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है, तो प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है। कर प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। कर प्रवर्तन निदेशालय बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है, कथन एक सही है। प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख प्रवर्तन निदेशक हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है, कथन दो सही है। आइए आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कर ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राफीन दुनिया का सबसे पतला, सबसे मजबूत और बिजली और गर्मी दोनों का सबसे प्रवाहकीय पदार्थ है, तो इसको भी लगता है तीनों सही होना चाहिए। कह रहे हैं ये तांबे की, अच्छा ठीक है, ग्राफीन दुनिया का सबसे पतला, सबसे मजबूत और बिजली और गर्मी दोनों का सबसे प्रवाहकीय पदार्थ है, तो ये तो सही है। कह रहे ये तांबे की तुलना में बिजली का बेहतर संचालन भी करता है, तो ये भी सही है। यह स्टील से 200 गुना मजबूत लेकिन 6 गुना हल्का है। ठीक है, तो मजबूती में 200 गुना स्टील से, लेकिन यदि हल्का की बात करें तो स्टील से ये 6 गुना हल्का भी है, इसीलिए तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं आज का डिस्क्रिप्शन। ग्राफीन विश्व का सबसे पतला, सबसे मजबूत और बिजली और गर्मी दोनों का सबसे प्रवाहकीय पदार्थ है, अतः कथन एक सही है। यह गैसों हेतु अभेद्य है, यहाँ तक कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों के लिए भी है, यानी कि इससे गैस जो है
आर पार नहीं होंगे। करैया तांबे की तुलना में बिजली का बेहतर संचालन करता है। करैया स्टील से 200 गुना मजबूत लेकिन 6 गुना क्या है हल्का है। तो कथन 3 सही है। कह रहा है यह लगभग पूरी तरह से पारदर्शी है क्योंकि यह केवल 2% प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी इससे प्रकाश भी जो है आर पार हो जाते हैं, 2% पर उसको ये अवशोषित करता है।